हेलो, एलएनटी से लोन चाहिए और कंफ्यूज हो कि आप एलएनटी से लोन अप्लाई करो या फिर नहीं करो, तो रुको। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट एलएनटी फाइनेंस के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि एलएनटी फाइनेंस से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब देखो, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारी ऐसे रिसर्च की है और बहुत सारे ऐसे एलएनटी से रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियोज देखी है, जिसमें आपको एलएनटी के बारे में कैसे लोन अप्लाई करना है ये तो लोगों ने बताया है, लेकिन एलएनटी आपको जब लोन दे रही है तो आपसे क्या चार्ज ले रही है और लोन देने के बाद भी आपसे क्या क्या ले रही है, इसके बारे में कोई नहीं बताया है। तो इस वीडियो में आपको एलएनटी के बारे में कंप्लीट जो सच्चाई है वो अगले 5 मिनट में आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर आप एलएनटी से लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको एलएनटी के बारे में सब कुछ बताया है। सब कुछ मतलब यहाँ पे सब कुछ। अब देखो, अगर हम एलएनटी फाइनेंस के बारे में बात करें तो पहले ये कंपनी क्या करती थी, आपको यहाँ पे टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करती थी। कुछ टाइम बाद एलएनटी यहाँ पे माइक्रो लोन प्रोवाइड करने लगी, जिसमें महिलाओं को यहाँ पे लोन मिलने लगा। और अब के टाइम में एलएनटी ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है प्लानेट ऐप के नाम से, जिसके थ्रू आपको पर्सनल लोन बांट रही है। एप्लीकेशन का दावा है कि आपको हम 50,000 से लेके 7 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और इसमें आपसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड नहीं करते हैं। अब इसमें भी क्या सच्चाई है इसके बारे में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे और उसके बाद हम इस एलएनटी के बारे में कुछ और भी बातें आपको बताएंगे। तो सुनिए, सबसे पहले अगर हम एलएनटी के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सच में आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे बस आपको अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट देना है, जिसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह वेरीफाई कराना होता है। अब देखो, अगर डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इस लोन को स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या तो फिर वैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कोई काम वगैरह नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एलएनटी यहाँ पे सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड सिर्फ दो ही लोगों को यहाँ पे लोन बांट रही है। हालांकि इनसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको अगर स्टूडेंट हो और अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो तो यहाँ पे आप एलएनटी से आपको लोन मिलेगा, ये आप भूल जाना। और हाँ, यहाँ पे एलएनटी आपको एक केस में और लोन प्रोवाइड कर सकती है, अगर आप एलएनटी में पहले से कोई गाड़ी वगैरह इसे खरीदे हो या फिर कोई आप माइक्रो लोन लिए हो तो उसके भी आप पे यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा, अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होगे तो। अब देखो, यहाँ पे अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम आपका एज 21 साल होना चाहिए तभी आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। 21 साल से कम एज वालों को यहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है। बात करें अगर हम इस एलएनटी कंपनी के बारे में तो अभी के टाइम में बस आपको ये एप्लीकेशन पे अकाउंट क्रिएट कर रही है, बाकी जो भी लोन का अप्लाई होगा वो आप इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड किया जाएगा, क्योंकि एलएनटी एक बहुत रेपुटेड कंपनी है और अभी ये फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारे फील्ड्स में ये है। अब देखो, अगर हम एलएनटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या देना पड़ सकता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी और यहाँ पे और भी इनके क्या क्या चार्जेस हैं। और फिर दोस्तों हम इस वीडियो में आगे एलएनटी के कुछ ऐसे कस्टमर सर्विसेज और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों का प्रॉब्लम हुआ है जो लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको हमारी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा जिसमें एलएनटी 1 लाख रुपए का किसी को लोन प्रोवाइड कर रही है और इस 1 लाख रुपए में यहाँ पे उसके बदले चार्जेस क्या क्या लिया जा रहा है तो वो दोस्तों यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे अगर हम एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो करीब 18% के आसपास इसने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो कि एनुअली है, मंथली नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे एक ब्रोकन पीरियड चार्ज 1 लाख रुपए के लोन में इन्होंने 700 रुपए लिए हैं। प्रोसेसिंग फी अभी आपको 2% देना होगा, मतलब आप जितना भी लोन अमाउंट यहाँ से लोगे उसका 2% आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फी देना होगा। और जो एस्टिमेटेड ईएमआई बना है वो 3,769 रुपीज का ईएमआई बनेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फाइनल आपके अकाउंट में 98,000 रुपीज क्रेडिट होंगे, बाकी के जो 2,000 रुपए हैं उसमें आपका प्रोसेसिंग फी, ब्रोकन पीरियड चार्ज ये वगैरह ये सब कट जाएगा। अब यहाँ तक तो सही है, इसके पीछे भी एक सच्चाई है जो कि आपको कोई नहीं बता रहा है। अब देखो, अगर आप एलएनटी से कोई भी लोन ले रहे हो तो इससे यहाँ पे आपको 3 ऐसे इंश्योरेंस है जो कि खरीदना कंपलसरी, और ये एलएनटी आपको लोन देने से पहले ये आपसे इंश्योरेंस परचेज करवाएगा। अब इसमें क्या क्या है तो ये हम समझ लेते हैं। पहला इंश्योरेंस होगा 1763 रुपए का, जिसमें आपका अगर डेथ हो जाता है तो एलएनटी इस इंश्योरेंस के माध्यम से अपना पैसा रिकवर करेगी। दूसरा है 650 रुपए का इंश्योरेंस, जिसमें अगर आपका हेल्थ डाउन होता है तो यहाँ पे एलएनटी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। और तीसरा होता है 1500 रुपए का एक इंश्योरेंस, जिसमें आपको फार्मेसी कंपनी इसमें आपको एम्बुलेंस वगैरह दवा वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो अगर हम ओवरऑल इस इंश्योरेंस का प्राइस जोड़े तो करीब यहाँ पे दोस्तों 3500 के आसपास आपको इंश्योरेंस के नाम पे यहाँ पे लिया जा रहा है। तो अगर आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो इसमें आपका प्रोसेसिंग फी, ब्रोकन पीरियड चार्ज और ये 3500 का इंश्योरेंस भी शामिल है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए,
क्योंकि इस इंश्योरेंस के बारे में कोई भी आपसे नहीं बता रहा और डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर दे रहे हो। अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पे सिविल स्कोर डाउन है और वो भी लोग यहाँ पे L&T से लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे बचना चाहिए। जिनका कम से कम 700 सिविल स्कोर होगा उन्हीं को यहाँ पे लोन मिलेगा, जिनका 700 से कम है भाई लोन अप्लाई करके अपना सिविल खराब नहीं करो। अब देखो अगर इस प्लैनेट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें जो कि L&T ने अभी लॉन्च किया है, करीब 10 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है दोस्तों और यहाँ पे करीब 4.4 स्टार इसने आउट ऑफ 5 गेन किया है जो कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेटिंग है और करीब 37,000 प्लस लोगों ने रिव्यू दिया है। अब जब मैं इस एप्लीकेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था तो कुछ रिव्यूज भी हमने पढ़ा है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे आपको लोन अप्लाई तो करते हो लेकिन दोस्तों जब आप अपना EMI मैंडेट करते हो, मीन्स आपका जो EMI कटेगा उसके लिए आप मैंडेट अपना करते हो, या तो आप डेबिट कार्ड से करो या फिर आप नेट बैंकिंग से करो, उसमें दोस्तों आपसे 3 महीने का एक्स्ट्रा EMI लिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कस्टमर्स का जो भी रिव्यूज है उसके अंदर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे एक इशू और भी लोगों ने बताया है कि आपको लोन का प्री अप्रूवल ऑफर कुछ और आ रहा है और यहाँ पे जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अमाउंट कुछ और दिखा रहा है और फाइनल जो आपके अकाउंट में पैसे डिसबर्स हो रहे हैं उसमें कुछ और अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। एक इशू और है यहाँ पे इसके कस्टमर सपोर्ट के बारे में। प्लैनेट एप्लीकेशन के अंदर आपको कस्टमर की हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों आपको EMAIL ID भी प्रोवाइड किया गया है। मैं पर्सनली EMAIL ID को तो चेक नहीं किया हूँ लेकिन इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि कस्टमर सर्विसेज का है मैंने उसे चेक किया है, यहाँ पे मुझे बहुत ही पुअर रिस्पॉन्स उस नंबर के साथ मिला है। तो यहाँ पे अगर आप कस्टमर सर्विसेज के बारे में सोच रहे हो तो इसमें भी दोस्तों आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने आपको L&T फाइनेंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अब देखो यहाँ पे आपको 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा आप जितना एलिजिबल होगे। अगर आपको अपना ट्राई करना है तो डेफिनेटली आप जाओ ट्राई कर सकते हो। लोन कैसे अप्लाई करना है इसके लिए हमने अपने मेन चैनल पे वीडियो भी बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा ये एफर्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपने इस लोन वाले भैया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो क्योंकि ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, किस लोन एप्लीकेशन की रिव्यू चाहिए आप बता देना ताकि मैं उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करके आपके सामने वीडियो ला दूंगा। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।